हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, आप सभी को जय मसीह की। प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें, आपको बरकत दें। मेरा जो आज का विषय है वह है परमेश्वर हमारा रक्षक है। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह जो है मेरा रक्षक है, प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपके रक्षक है। भजन संहिता 121 अध्याय उसका एक वचन से पढ़ेंगे। हाँ, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हाँ, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आकाश और पृथ्वी का क्या है, करता है। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, जब हम मुश्किल में होते हैं, जब हम समस्या में होते हैं, जब हम परेशानी में होते हैं, तो हमारी आस क्या होती है, किसी दूसरे के ऊपर होती है। अपने रिश्तेदारों पर होगी, अपने अड़ोस पड़ोसियों पर होगी। हमारे पर जो मुश्किल आई है, जो क्या है, हमारे फैमिली वाले मदद करेंगे। हमारे ऊपर जो मुश्किल आई है, हमारे परिवार वाले मदद करेंगे, हमारी फैमिली वाले मदद करेंगे, हमारे रिश्तेदार जो है, हमारे भाई बंधु है, वो हमारी मदद करेगा, दोस्त जो है वो हमारी मदद करेगा। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, बाइबल में लिखा है, हाँ पढ़ेंगे दोबारा, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। हाँ, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। प्रभु के लोगों लिखा है, मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। हालेलुया। मुझे सहायता प्रभु यीशु की ओर से मिलेगी। हालेलुया। मुझे सहायता प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलेगी। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, हमें किसी दूसरे के ऊपर आस नहीं रखनी कि हमारे ऊपर जो मुश्किल आई है, जो समस्या आई है, वो क्या है, हमारे रिश्तेदार हमारी मदद करेंगे। ज़्यादातर पैसों की ज़रूरत पड़ती है लोगों को। कोई बीमारी आ गई, कोई समस्या आ गई, कोई एक्सीडेंट हो गया, कोई दुर्घटना होगी, तो उस पर क्या होता है, पैसा ज़्यादा लगता है। तो क्या होता है कि हाँ, हमारे रिश्तेदार हमारी मदद करेंगे, हमारा भाई बंधु हमारी मदद करेगा, हमारा दोस्त जो है वो हमारी मदद करेगा। लेकिन प्रभु के लोगों लिखा है, मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। हालेलुया। सो आपको जो सहायता है प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलेगी। हालेलुया। जिसने आकाश और पृथ्वी को बनाया। हाँ पढ़ेंगे, जो आकाश और पृथ्वी का करता है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। परमेश्वर ने आकाश और पृथ्वी, आपको, मुझे, सबको परमेश्वर ने बनाया। क्या परमेश्वर आपकी सहायता नहीं कर सकते। हालेलुया। लिखा है, मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलती है। सो प्रभु के लोगों, जो आपको सहायता चाहिए तो परमेश्वर को पुकारे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। दोबारा पढ़ेंगे, मैं अपनी आंखें पर्वतों की ओर लगाऊंगा, मुझे सहायता कहाँ से मिलेगी। मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है, जो आकाश और पृथ्वी का करता है। हालेलुया। मुझे सहायता परमेश्वर की ओर से मिलेगी। प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपकी सहायता करेंगे। आपके रिश्तेदार, आपके परिवार वाले, आपके दोस्त आपकी सहायता नहीं करेंगे, प्रभु यीशु मसीह जो है वो आपकी सहायता करेंगे। हालेलुया। हाँ आगे पढ़ेंगे, वह तेरे पांवों को टलने ना देगा। हाँ, तेरा रक्षक कभी ना ऊंगेगा। सुन, इज़राइल का रक्षक ना ऊंगेगा और ना सोएगा। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों लिखा है, वह तेरे पांव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊंगेगा, सुन, इज़राइल का रक्षक न ऊंगेगा न सोएगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह जो है आपके पांव को टलने नहीं देंगे। पांव के टलने का मतलब क्या होता है, अगर हम कोई जैसे कि हम कोई भी नए काम के लिए शुरुआत कर रहे हैं, तो क्या होता है, शैतान उस काम पर क्या करता है, रुकावट डालता है, आपको आगे बढ़ने नहीं देता, आपके पांव को रोकता भी है, कदम आगे ना बढ़ाएं। हम किसी अच्छे रिश्ते के लिए जा रहे हैं, या भाई के लिए, बहन के लिए, किसी भी अच्छे रिश्ते के लिए जा रहे हैं, शैतान हमारे पांव को रोक के रखता है, टालता है भी ये ना जाएं, ये आगे कदम ना बढ़ाएं। हम कोई नया मकान लेने के लिए जा रहे हैं, उसमें देरी आ रही है, तो उसमें क्या कर रहा है शैतान, उसको क्या, अपने पांव को रोक रहा है, भी ये आगे ना बढ़े। हालेलुया। हम किसी भी काम के लिए आगे जा रहे हैं, तो उस शैतान की कोशिश ये रहती है कि मैं इनके पांव को रोकूं, ये आगे ना बढ़े। हालेलुया।
सो प्रभु के लोगों लिखा है वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। दोबारा पढ़ेंगे, वह तेरे पाँव को टलने ना देगा, तेरा रक्षक कभी ना ऊँगेगा। सुन इज़राइल का रक्षक ना ऊँगेगा और ना सोएगा। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह है, ना तो कभी ऊँगते हैं ना ही सोते हैं। हालेलुया। आप कभी भी परमेश्वर को पुकार सकते हैं। कई बार अपने पास ऐसी, कई बार अपने ऊपर इतनी भारी समस्या आ जाती है कि हम कई बार फ़ोन लगाते हैं, फ़ोन नहीं लगता। कभी रिश्तेदार को फ़ोन लगा दिया, फ़ोन नहीं लगता है ना, कभी फ़ोन बिजी आ गया। ऐसी समस्या पे क्या करें, परमेश्वर को डायरेक्ट फ़ोन लगाएं। प्रभु यीशु मसीह अब आप ही हो जो हमारी रक्षा करेंगे। हालेलुया। उसी समय परमेश्वर जो है, परमेश्वर सोता नहीं है, हम तो सोते हैं, आप सोते हैं, परमेश्वर सोते नहीं है। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है आपकी प्रार्थना को सुनेंगे, आपके जो आप परमेश्वर को पुकार रहे हैं, परमेश्वर उसका उत्तर देंगे। हालेलुया। लिखा है वह तेरे पाँव को टलने ना देगा। प्रभु यीशु मसीह आपके पाँव को टलने नहीं देंगे। शैतान हमला करेगा भी नहीं, ये आगे ना बढ़े, आगे ना बढ़े, लेकिन प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह है जो आपको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप किसी काम के लिए जा रहे हैं, कोई नई शुरुआत करें, तो प्रार्थना करके उस कदम को बढ़ाएं आगे। हालेलुया। कोई भी काम के लिए जा रहे हैं, कोई घर लेने जा रहे हैं, कोई रिश्ता देखने जा रहे हैं, है ना, कुछ भी काम के लिए जा रहे हैं, तो प्रार्थना करके निकलें। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा करेंगे, आपकी मदद करेंगे, आपकी सहायता करेंगे। लिखा है मुझे सहायता कहाँ से मिलती है, मुझे सहायता यहोवा की ओर से मिलती है। सो प्रभु के लोगों, जब कभी भी आपको परमेश्वर की सहायता की जरूरत पड़े, तो परमेश्वर को पुकारें। इधर उधर अड़ोस पड़ोस यार मित्र जो भी है ना, किसी को नहीं, क्योंकि ये आपकी मदद करने वाले नहीं है। जो मदद परमेश्वर करेगा, वो मदद कोई नहीं कर सकता। हालेलुया। आगे वचन पढ़ेंगे, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरे दैन्य और तेरी आड़ है। हालेलुया। सो कितना अच्छा वचन है लिखा है, परमेश्वर तेरा क्या है, रक्षक है। परमेश्वर क्या है, मेरा रक्षक है। हाँ, आप भी कह सकते हैं परमेश्वर क्या है, मेरा रक्षक है। जो कहेगा परमेश्वर उसका रक्षक बनेगा। हालेलुया। मैं कहता हूँ भी परमेश्वर मेरा क्या है, रक्षक है। हमें बचा के रखता है हर प्रकार की मुश्किल, समस्या, परेशानी से, एक्सीडेंट, दुर्घटना, बीमारियों से। आप सभी जानते ही हैं कितने ही लोग एक्सीडेंट की वजह से मर रहे हैं, कितने ही लोग बीमारियों की वजह से मर रहे हैं। किसी का कोई पता नहीं है, रात को अच्छे खेल रहे हैं, सुबह उठ के देखते हैं कि किसी की डेथ हुई होती है। लोगों कहते हैं पता नहीं है, अच्छा बना था, अभी सुबह देखा तो खत्म हुआ हुआ था। किसी का कोई पता नहीं है, लेकिन जो प्रभु यीशु मसीह जो है, वो क्या है, हमारे रक्षक है, मेरे रक्षक है, आपके रक्षक है। आप कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है मेरा रक्षक है। हालेलुया। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, आगे पढ़ेंगे वचन, हाँ, यहोवा तेरा रक्षक है। यहोवा क्या है, प्रभु यीशु मसीह क्या है, मेरा रक्षक है। यहोवा तेरे दाहिनी और तेरी आड़ है। प्रभु यीशु मसीह जो है आपके दाहिनी और आपकी क्या है, आड़ है। दोबारा पढ़ेंगे, यहोवा तेरा रक्षक है, यहोवा तेरी दाहिनी और तेरी आड़ है। ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, आप सभी जानते ही हैं इस दुनिया में कितने ही एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने ही दुर्घटनाएं हो रही हैं। किसी का कोई पता नहीं है कब कोई मर रहा है। किसी से पूछते हैं तो वो कहते भी है, रात को अच्छा भला था, अभी सुबह देखा तो उसकी डेथ होगी। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह जो है आपके क्या है, रक्षक है। प्रभु यीशु मसीह क्या है, मेरा रक्षक है। आप कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है मेरा रक्षक है। आप भी कह सकते हैं कि प्रभु यीशु मसीह जो है मेरा रक्षक है। अगर आप, जब आप कहेंगे, तो सच में परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह जो है आपके रक्षक बनेंगे। आप देखते ही हैं कितनी एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितनी दुर्घटनाएं आ रही हैं, कितने ही लोग एक दिन में ख़त्म हो रहे हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है आपकी रक्षा करके रखते हैं, आपको बचा के रखते हैं। लिखा है यहोवा दाहिनी ओर क्या है, तेरी आड़ है। प्रभु यीशु मसीह क्या है, हमारी आड़ है, हमारी छुपने की जगह है। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, जब भी अपने ऊपर कोई मुश्किल आती है, समस्या आती है, कोई परेशानी आती है, प्रभु यीशु मसीह क्या करते हैं, हमारी रक्षा करते हैं। परमेश्वर हमारा रक्षक है। आगे पढ़ेंगे छह वचन, ना तो दिन को धूप से और ना रात को चांदनी से तेरी कुछ हानि होगी। ना तो दिन को, ना तो
दिन के समय और ना रात के समय हमारी कुछ हानि होगी। हालेलुया। रात को कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, दिन में कितने एक्सीडेंट हो रहे हैं, लोग कैसे मरे जा रहे हैं, लेकिन प्रभु के लोग, प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। प्रभु यीशु मसीह कहते हैं कि मैं तुम्हारा रक्षक हूं। ना तो दिन को तुम्हारी कोई हानि होगी, ना रात को तुम्हारी कोई हानि होगी। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है आपको दिन को भी संभाल के रखेंगे, रात को भी संभाल के रखेंगे। हालेलुया। कोई रात को सोते सोते कईयों का दिन ही नहीं निकलता, खत्म हो जाते, लेकिन प्रभु यीशु के लोगों, लेकिन प्रभु यीशु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह जो है आपकी रक्षा करेंगे। दिन में भी, रात में भी, सोते समय, जागते समय, हर एक समय प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा करेंगे, आपकी, आपको बचा के रखेंगे हर प्रकार की समस्या से, हर प्रकार की बीमारी से। हालेलुया। हाँ, आगे पढ़ेंगे 7 वचन। यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। हाँ। वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। हाँ। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। आमीन। हालेलुया। लिखा है यहोवा सारी विपत्ति से तेरी क्या करेगा, रक्षा करेगा। लिखा है वह तेरे प्राण की रक्षा करेगा। यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, लिखा है यहोवा जो है, प्रभु यीशु मसीह जो है आपकी क्या करेगा, कुछ कुछ विपत्तियों से क्या करेगा, रक्षा करेगा। हालेलुया। क्या लिखा है यहाँ? कुछ कुछ नहीं लिखा, यहाँ सारी लिखा है। दोबारा पढ़ेंगे, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। सारी विपत्ति से, यहाँ ऐसा नहीं लिखा यहोवा कुछ कुछ, है ना, थोड़ी थोड़ी या कुछ कुछ, जो जो मोटी मोटी इंपॉर्टेंट है उस पर रक्षा करेगा, ऐसा कुछ नहीं यहाँ लिखा हुआ। यहाँ लिखा है परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह सारी विपत्ति से, इस दुनिया में अगर अपने रहते हैं, इस दुनिया में जितनी भी विपत्तियां हैं, जितनी ए टू लेके जेड तक जितनी भी विपत्तियां हैं, सब सबसे परमेश्वर आपको बचा के रखेंगे। दोबारा पढ़ेंगे। हाँ, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। सारी विपत्ति से क्या करेगा, तेरी रक्षा करेगा, मेरी रक्षा करेगा। हाँ, वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। हालेलुया। यहोवा तेरे आने जाने में, एक सेकंड, है ना, वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, परमेश्वर आपकी रक्षा करेंगे तो सही, लेकिन आपकी जान की भी रक्षा करेंगे। हालेलुया। आपको बचा के रखेंगे। हाँ, आगे पढ़ेंगे, यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। प्रभु यीशु मसीह जो है तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। हालेलुया। प्रभु के लोगों, लिखा है प्रभु यीशु मसीह जो है आपकी सारी विपत्ति से रक्षा करेंगे, चुनी हुई थोड़ी थोड़ी विपत्तियों से नहीं। अगर परमेश्वर ने हम सबको बनाया है तो यहाँ विपत्तियां भी इतनी सारी आई हैं, परमेश्वर उन सारी विपत्तियों से आपकी रक्षा करेंगे। हालेलुया। वह जो इंपॉर्टेंट बात है, वह परमेश्वर कहता है मैं तुम्हारे प्राण की भी रक्षा करूंगा। लिखा है, पढ़ना दोबारा, यहोवा सारी विपत्ति से तेरी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। वह तेरे प्राण की भी रक्षा करेगा। हालेलुया। तेरी जान की भी रक्षा करेगा। हालेलुया। कितने लोग खत्म हो जा रहे हैं, पता ही नहीं चलता, कितने ही एक्सीडेंट हो रहे हैं, कितने ही दुर्घटनाएं हो रही हैं, लेकिन प्रभु यीशु मसीह जो है आपकी रक्षा करेंगे। परमेश्वर प्रभु यीशु मसीह आपके सहायक हैं, प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा करेंगे। लिखा है वह तेरी रक्षा, लिखा है यहोवा तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहेंगे। हालेलुया। जब तक, हाँ, जैसे हम सुबह उठ के कोई काम के लिए जाते हैं, जब अपने ऑफिस के लिए जाते हैं, कोई भी खेती बाड़ी के लिए जाते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह जो है हमारी आने जाने में रक्षा करेंगे। अपने जा रहे हैं तो भी प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। हम वहाँ जिस जगह पे हम बैठ के काम कर रहे हैं, ऑफिस में काम कर रहे हैं, खेत में काम कर रहे हैं, कोई दुकान पे काम कर रहे हैं, कोई भी मजदूरी कर रहे हैं, वहाँ पर भी प्रभु यीशु मसीह क्या करेंगे, हमारी रक्षा करेंगे। पहले तो सही सलामत लेके जाएंगे, फिर उस जगह पर, उस काम पर हमारी रक्षा करेंगे। हम जब वहाँ से वापस घर की तरफ वापस आते हैं, तो प्रभु यीशु मसीह वहाँ पर भी क्या करेंगे, आते समय भी हमारी रक्षा करेंगे।
हालेलुया। लिखा है वह तेरे आने जाने में तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करते रहेंगे। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ बने हुए हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ बने हुए हैं। जब तक हम प्रभु यीशु मसीह के साथ चल रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह हमारे साथ चल रहे हैं। हालेलुया। जब आप प्रभु यीशु मसीह को छोड़ दोगे तो प्रभु यीशु मसीह आपको भी छोड़ देंगे। जब आप प्रभु यीशु मसीह के साथ चलते रहेंगे तो प्रभु यीशु मसीह भी आपके साथ चलते रहेंगे। हालेलुया। लिखा है वह तेरी रक्षा अब से लेकर सदा तक करता रहेगा। जब तक आप प्रभु यीशु मसीह के साथ बने हुए हो, प्रभु यीशु मसीह आपकी रक्षा करते रहेंगे। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, आपका जो सहायक है वो आपके रिश्तेदार नहीं है, आपके आपके दोस्त मित्र नहीं है, आपके दोस्त नहीं है, आपके परिवार वाले नहीं है। आपका सहायक प्रभु यीशु मसीह है। आपको सहायता प्रभु यीशु मसीह की ओर से मिलेगी। इसीलिए जब भी कोई आपके ऊपर मुश्किल आए, समस्या आए, परेशानी आए, तो प्रभु यीशु मसीह से सहायता मांगे, प्रभु यीशु मसीह को पुकारे। बाइबल में लिखा है मत्ती 7:7 वचन में लिखा है, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा। सो प्रभु के लोगों, मांगना, धन संपत्ति मांगना ही नहीं, आशीषें भी हम मांग सकते हैं, अपने परमेश्वर की ओर से सहायता भी मांग सकते हैं, बुद्धि भी मांग सकते हैं, परमेश्वर के वरदान भी मांग सकते हैं, सामर्थ्य भी मांग सकते हैं, अभिषेक भी मांग सकते हैं, पवित्र आत्मा भी मांग सकते हैं। हालेलुया। लिखा है मांगने वाले को क्या है, परमेश्वर देता है। पढ़ना, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, मांगो तो तुम्हें दिया जाएगा, ढूंढो तो तुम पाओगे, ढूंढोगे तो तुम पाओगे, खटखटाओगे तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा, खटखटाओ तो तुम्हारे लिए खोला जाएगा। क्योंकि जो कोई मांगता है, जो कोई भी मांगता है उसे मिलता है, उसे मिलता है। हालेलुया। बाइबल में लिखा हुआ है, मैं कोई अपनी तरफ से नहीं कह रहा, जो कोई मांगता है प्रभु यीशु मसीह उसे देते हैं। आप सहायता परमेश्वर की ओर, परमेश्वर से मांगे, धन संपत्ति परमेश्वर से मांगे, समझ और बुद्धि परमेश्वर से मांगे, पवित्र आत्मा और सामर्थ अभिषेक परमेश्वर से मांगे, प्रभु यीशु मसीह आपको देंगे। सहायता जो है परमेश्वर से मांगे, परमेश्वर आपकी सहायता करेंगे, आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। इधर उधर किसी लोगों से मत मांगे, हमारी वो मदद करेगा, हमारी वो मदद करेगा, हमें सहायता वहां से मिलेगी। ज्यादातर लोग क्या करते हैं, शादियों के समय हमें हमारे 40,000 वो दे देगा, 50,000 वो दे देगा, 1,00,000 रुपया वो दे देगा, ऐसे करके 5-7 लाख से हमारी शादी हो जाएगी। आप सहायता परमेश्वर से मांगे। प्रभु यीशु मसीह, मेरे बेटे की शादी है, मेरी बेटी की शादी है, हमें ये घर लेना है, हमें ये मकान लेना है, हमें ये नया बिजनेस स्टार्ट करना है। पैसा प्रभु यीशु से मांगे, सहायता प्रभु यीशु से मांगे, प्रभु यीशु मसीह आपकी सहायता करेंगे। अगर आप दूसरे से सहायता मांगे तो परमेश्वर नहीं सहायता करेंगे। आप विश्वास करके परमेश्वर से सहायता मांगे, परमेश्वर आपकी मदद करेंगे। हालेलुया। सो प्रभु के लोगों, प्रभु यीशु मसीह आपको आशीष दें, आपको बरकत दें। मैं आप सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ। हालेलुया। मेरे महान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, प्रार्थना करते हैं प्रभु जी, जिन्होंने भी ये वीडियो को देखा और प्रभु यीशु मसीह जो भी आपसे सहायता मांग रहे हैं, प्रभु यीशु मसीह आप इनकी सहायता करें, आप इनकी मदद कीजिए। प्रभु यीशु मसीह इनकी हर प्रकार की मुश्किल, समस्या, परेशानियों से प्रभु यीशु मसीह इन्हें बाहर निकालिए। प्रभु यीशु मसीह जब ये आपको पुकारे, प्रभु यीशु मसीह इनकी प्रार्थना को सुने। मेरे मान स्वर्गीय पिता, प्रभु यीशु मसीह आप इनकी सहायता कीजिए। अगर ये किसी मुश्किल में है, किसी समस्या में है, किसी बीमारी में है, तो प्रभु यीशु मसीह आप इनकी रक्षा कीजिए। प्रभु यीशु मसीह आपको पुकारते हैं, इनकी प्रार्थना को सुनिए। प्रभु यीशु मसीह आप इनके साथ रहिए। प्रभु यीशु मसीह आप इनके इन पे तरस खाए। मेरे मान स्वर्गीय पिता प्रभु यीशु मसीह, और मैं इनके सभी के लिए प्रार्थना करता हूँ, प्रभु यीशु मसीह आप इनकी रक्षा कीजिए, इन्हें संभाल के रखिए, हर प्रकार की समस्या, परेशानी, बीमारी से इनकी रक्षा कीजिए। कोई भी किसी प्रकार की शैतान की शक्तियां, बीमारी इनके विरुद्ध काम ना करने पाए। प्रभु यीशु मसीह ये जो कुछ भी आपसे मांगे वो प्रभु यीशु मसीह आपके नाम से वो पूरा हो जाए। इनके साथ रहिए, इनकी मदद सहायता कीजिए।
आमीन।